देखे तुमने? टायर टायर किसने निकाले यार? ये क्या सीन, ब्लॉक रखा हुआ मुन्ने, ये क्या सीन है? टायर देखे अंकल? टायर हाँ, कि दोनों टायर निकाल लिए किसी ने। पता नहीं दो टायर यहाँ से निकले मैं। अबे ये टायर है अपनी जगह पे, ये दोनों अपनी जगह पे। टायर देखे तुम लोगों ने? नहीं टायर तो नहीं देखा। अभी 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 थोड़ी देर पहले तो मैं आया हूँ, गाड़ी यहाँ खड़ी की है। अबे यार ब्लॉक ब्लॉक रखे हुए यहाँ पर, ये देखो नीचे ब्लॉक लगा के दोनों टायर गायब किए। अबे यार मेरे साथ ही सारे सीन क्यों हो रहा है यार? अभी यहाँ से मोबाइल चोरी हुआ कुछ दिनों पहले, अभी गाड़ी के दोनों टायर गायब है। कुछ दिनों पहले हमारी गली से एक गाड़ी चोरी हुई है, सिविक थी, सिटी थी, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी चोरी हुई थी यहाँ पीछे से, अवेश की ना, 30-35 लाख की गाड़ी थी, वो चोरी हुई है। अभी दोनों टायर गायब, क्या करें मुन्ना? अभी शूट पे निकलना था यार, उस दिन मोबाइल भी चोरी हो गया था हमारा, क्या करें यार, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है भाई। घर के सामने से, घर के बिल्कुल बाहर से, ये मेरा घर है, यहाँ से इसके बाहर से गाड़ी का टायर गायब। बताओ मुन्ना, सीसीटीवी निकालो यार, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ इस तरफ ना, सीसीटीवी निकालो फटाफट। पूरी कार्रवाई करके चोरी की है, देखो ब्लॉक ब्लॉक सारे के सारे लगाए हुए, गाड़ी भी खतरे में, देखो गाड़ी गिर भी सकती है। अबे कैसे जाहिल के बच्चे हैं यार ये, सारे भंड मेरे साथ ही हो रहा है। सीसीटीवी निकालते हैं फटाफट, लेकिन क्या फायदा, मोबाइल की भी सीसीटीवी आ गई थी, फायदा थोड़ी हुआ कुछ। अबे यार अभी कुछ देर पहले मैं गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी की बिल्कुल सही हालत में, मतलब पता ही नहीं चलता, एक मिनट दो मिनट के अंदर कार्रवाई होती है और स्टार्ट कर देते। अभी कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त की गाड़ी यहाँ से, हमारी गली से गाड़ी चोरी हुई है, FIR कटवाई, सीसीटीवी तक आ गई, चार बंदे थे गाड़ी लेके स्टार्ट हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं। मोबाइल चोरी हो रहा है, कभी कुछ कभी कोई भंड, कभी कोई भंड, अब ये भी नहीं पता किस टाइम को हुआ होगा यार। वैसे मैंने एक घंटे पहले गाड़ी खड़ी की है, उस वक्त सही हालत में थी गाड़ी, ये चेक कर सकते हैं, गाड़ी के टायर अभी सही हालत में। ये दो बंदे आ रहे हैं, इसने कुछ छुपाया हुआ है अंदर, कुछ छुपाया हुआ है इसने, क्या छुपाया हुआ है? ये देख, एक पीछे गया एक आगे आया, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पहले। वो क्या उठा रहा है पीछे से, क्या उठा रहा है, कुछ उठाया उसने, उठाया पीछे से। अबे यार भाई पाकिस्तान में ना कोई चीज़ सेव नहीं है यार। ये देखो नीचे, ओए नीचे झुक रहा है, झुक रहा है। 4:16 का सीन है, 4:16 पे सीन हुआ है, 3 बजे मैंने गाड़ी खड़ी की थी बिल्कुल सही हालत में। ये देखो टायर निकाल रहा है, ये देखो जूम मारता हूँ, ये देखो वो नीचे झुका हुआ है एक हरामी, ये ऊपर जो है ना मॉनिटरिंग कर रहा है, हरामी गैर मुकामी लग रहा है। तो वो देख नीचे झुका हुआ कैसे सुकून से, कोई टेंशन ही नहीं उसको भाई। यार ये बंदा भी आ रहा है फिर भी नहीं देख रहा, ये देखो ये बंदा गुजर रहा है, देखा तक नहीं उसने यार कि कौन क्या कार्रवाई कर रहा है। भाई लोग ना बेहस हो चुके हैं इस ज़माने में, मतलब उनको परवाह ही नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है, जब खुद के साथ होता है ना फिर पता चलता है। ये आंटी गुजर रही है, ये बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है, वो देखो बाइक वाला भी गुजरा, उसने भी कुछ नहीं बोला, वो सुकून से खोल रहा भाई टायर, सुकून से, कोई टेंशन ही नहीं उसको। आंटी कम से कम पूछ लेती हैं क्या है क्या है, नकाब पोश लोग हैं यार, मशकूक लोग हैं, क्या कर सकते हैं यार। अब एक एक टायर भी 30-35 हज़ार, 40 हज़ार का टायर है यार, बैठे बैठे नुकसान। या तो किसी को पता है कि मिशकात खान यूट्यूबर है, उसकी गाड़ी है, उसने शरारत की है, या ये पक्के प्रोफेशनल चोर लग रहे हैं। बताओ यार दिन दिहाड़े चोरी हो गई, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, सीसीटीवी हमारे पास आ चुकी है, चोरों की शनाख्त भी हो चुकी है, चोर पता चल चुका है कौन दो चोर थे, लेकिन क्या फ़ायदा है यार, सारे के सारे लोग बेहस हैं, लोग गुजर रहे हैं आसपास से लेकिन पूछ नहीं रहे कि भाई क्या कर रहे हो, नकाब पोश लोग हैं, मशकूक लोग हैं। कम से कम एक बंदा पूछ भी लेता, और उनको पता है कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछने वाला, वो सुकून से अपनी कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने 10 मिनट तक कार्रवाई की है, सुकून से गाड़ी में जैक लगाया, गाड़ी को उठाया, दोनों टायर शार्ट किए। वो तो दो टायर इसलिए बच गए वहाँ के क्योंकि वो दीवार के साथ लगी हुई थी गाड़ी, और वो गाड़ी हिला नहीं सकते थे, और वो गाड़ी का बोनट भी चेक कर रहा था, मतलब उसका बैटरी चोरी करने का भी इरादा था, लेकिन मैंने गाड़ी के अंदर ना बैटरी का लॉक वॉक लगाया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में चोरी इतनी है यार, बहुत रोना आता है हमारे मुल्क के निज़ाम पे, मतलब चोरों को कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है चोरों को यार, वो अपने अपना मुल्क समझते हैं, वो समझते हैं कि सब कुछ हमारा है, और हम लोग भी इसलिए लेते हैं कि मतलब ये सब चोरों का है भाई। मोबाइल भी हम इस नियत से लेते हैं कि भाई डकैत आएगा उसको बोलेंगे भाई तेरी चीज थी ले जा, क्या करें मुन्ने। उसामा वगैरह को कॉल करिए यार, रिपोर्ट भी करवा दें, पुलिस स्टेशन चल गए, वो तो करवा देंगे, पहले इनको बुलाओ, उसामा को बुलाओ, बिलाल को भी बुला ले यार, यार वो गाड़ी के टायर किसने निकाल लिए दोनों, उसको बोल जल्दी पहुंच, लंबी नहीं करे, उसको बोलो घर पहुंचे जल्दी, बिलाल को भी कॉल कर, कितनी देर में पहुंच रहे, बस सही है सही है, अबे उसको बोल जल्दी से आ जाए यार, पूरी सीन बताने की जरूरत थोड़ी है। अबे ये देख यार दो बंदे आए खुले आम दिन दिहाड़ी कर रहे हैं, कसम खुदा की यार क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। अबे आप रो क्यों रहे हो? अबे यार बार बार नुकसान यार, मतलब हद है, अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ स्नैचिंग हुई थी। अबे वो अंकल वहाँ पर जा रहे हो, बाइक वाला जा रहा है, कोई इनको रोक नहीं रहा भाई, कोई नहीं पूछने वाला। अबे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है यार, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है सारा का सारा। अबे मिशकात भाई, अबे आंसू तो पूछो अल्लाह के बंदे, आप तो सीरियस में रो रहे हो यार। अबे सीन हो गया यार। मैंने अभी देखा भारी गाड़ी का क्या हुआ है, ब्लॉक ब्लॉक लगे हुए, अबे टायर गायब है, ये देखो सीसीटीवी पूरी रिकॉर्ड हुई है, दो चोर आए हरामी नकाब पोशा साले शक्ल छुपा के आए हैं, ये देख आंटी गुजर रही है, हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है, गेट पे आती थी, ये देखो ये बाइक वाला गुजरा, बाइक वाला गुजरा, ये सुकून से बाइक पे बैठा हुआ है यार, भाई सदका दो आप अपना, अबे देता हूँ सदका, देता हूँ यार, मेरे सामने तो कभी नहीं दिया आपने, मेरे सामने तो सदका बता के थोड़ी दूंगा, क्या करें गाड़ी का टायर मुझे शूट पे निकल रहा था मैं यार, आपके साथ जैसे बुराई चल रही है, आपने इतना अच्छा सूट लिया, इसकी रुमाली बढ़ गई।
यार क्या हरकतें कर रहे हो। बात सुनो, स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन चलो भाई, पुलिस स्टेशन जाना बेकार है, पहले तो ये गाड़ी का टायर वाइज सेटिंग बनाओ। नहीं जाओ पुलिस स्टेशन, चलो रिपोर्ट तो कराओ। पुलिस ने इनके मोबाइल पे कुछ नहीं करा, पुलिस कुछ नहीं करेगी, छोड़ो हमें काम। चोरी हुई कुछ मिली है अबे भाई, काम करते हैं, किसी पंचर वंचर वाले के पास हो सकता है, इन गरीबों ने ले आके किसी को भेज दिया हो। कितने का मिलता है टायर वाला? हम आपका टायर है 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का टायर, 1,00,000 का मतलब फटका पड़ा। अबे तो टायर में ताला भाई, सबसे पहले चलो यार, इसको कॉमेडी सूझ रही है यार। सबसे पहले चलो पुलिस स्टेशन में, वहां जाके रिपोर्ट करवाते हैं। आ जाओ, आप पुलिस स्टेशन गए थे मोबाइल की, आपने FIR कटवाई, आपको मोबाइल मिला? नहीं, हमारे लियाकताबाद में मोबाइल छीने थे, मोबाइल मिले? अबे भाई नहीं मिलते हैं यहाँ पे, आप टायर लो, अपना मसला हल करो। आओ यार, हमारी हमारा काम हमारी जिम्मेदारी पूरी करना है, पुलिस का काम पुलिस की जिम्मेदारी है। अबे भाई बाइक निकालते हैं फटाफट। यार ये पीछे आबादी है, यहाँ पर बंदा घुसा है। जाओ भाई, यही घुसते सारे चोर भी, यही घुसा था अभी, टायर वाला भी यही घुसा है, सारे चोर यहीं पे रहते हैं। यार टायर, साइड ग्लासेस, बैटरी सब चोरी होती है, अभी तो पूरी की पूरी गाड़ी चोरी हुई यार हमारे इलाके। यकीन करो, सलवार में नारा डालना शुरू कर दो, प्लास्टिक नहीं डालो, कोई तार के ले जाएगा। यार मजाक नहीं करा, दो बंदे टायर लेके गए, देखा है? देखा नहीं किसी को? इनको पता होगा, इनको पता आपको, देखा हो तो बता देना यार। गरीब की गाड़ी के टायर निकाल के लेगा, ब्लॉकों पे खड़ी कर दी यार, हो सकता है यहाँ बेचा बेचा हो। यार दो टायर चोरी हुए हैं अभी, दो टायर, ये तो छोटा है ना, ये बहुत छोटा है। दो टायर की गाड़ी के चोरी हुए, आपके पास कोई बेचने आया है? नहीं नहीं। यार क्या फायदा पूछने पूछने का, मुश्किल ही है मिले। पहले भी मोबाइल चोरी हुआ था, घूमे फिरे, पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाई, FIR कटवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं है यार, अभी भी कोई फायदा नहीं होगा। वैसे टायर हो गए, कोई चेंजेस नंबर थोड़ी होते ना, उसमें ट्रैकर होता है कि पता चल जाए। जाएंगे बेच देंगे 5,000-10,000 रुपए का, लेकिन यार हमारा तो नुकसान हो गया ना यार। कभी कभी लगता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब ना चोर है, मतलब जो जितनी बड़ी चोरी कर रहा है उसके उतने ज्यादा मजे, मतलब सुकून है यार, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई पकड़ धकड़ का मसला नहीं है। चोरी, टायर चाहिए चोरी कर लेते हैं, मोबाइल चाहिए चोरी कर लेते हैं, गाड़ी चाहिए चोरी कर लेते, कोई मसला नहीं है, तब सब कुछ फ्री में यार, चोरी कर लो। बात तो सही है, अभी चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे भाई, क्यों? अगर पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है भाई, फायदा है, पुलिस वाले पकड़ेंगे इंशाल्लाह। आ जाओ, फायदा नहीं है भाई, अबे रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, दोस्त है मेरा यार। होगा, मैं बोल रहा हूँ थाने वाने नहीं जाओ, लंबी नहीं करो, कामा का बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। क्यों नहीं करो लंबी, थाने में जाने में तुम्हें क्या मसला हो रहा है? थाने में नहीं जाओ, समझा? अबे रिपोर्ट लिखवा लेते हैं, पागल हो क्या? उनके पास और बहुत सारे थाने में जाने से कुछ तो गड़बड़ है। गरीब आवाज, चलो यार मैं वहां से तो सस्ते टायर दिलवाता हूं। सस्ते टायर का मतलब पहले रिपोर्ट लिखवाओ, अबे रिपोर्ट लिखवा के चलते हैं। अबे भाई बात सुन, बात सुन भाई, बात सुन, हमने तेरे साथ मजाक करा यार, तू पागल हो गया है क्या? थाने जा रहा है क्या मतलब? हम दोनों ने तेरे साथ मजाक करा था, छोटा था, प्रैंक किया था तुम्हारे साथ, छोटा था। प्रैंक हो गया आपके साथ, तुम तो सीरियस थाने आ गए, तुम लोग का दिमाग खराब है क्या भाई? चल यार, चलो चलो यहाँ से, तो चलो यहाँ से, चल पुलिस वाले अंदर करवा देंगे। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका? अबे बैठ तो, अबे बैठ जा भाई, यार तुम लोगों ने निकाले? हां यार, हमने दे रहे ना, तू चल तो यहाँ से तो निकल। वो दो बंदे तुम थे? अबे हां भाई, तू चल तो। अबे नहीं करो, अबे बता रहे ना, अल्लाह की कसम खा, अल्लाह की कसम, यहाँ से तो चल भाई। मैं प्रैंक कर रहा था, छोटा था, मुझे नहीं क्या पता। प्रैंक के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, कसम खुदा के बेकार तरीन प्रैंक था, बिल्कुल बेकार प्रैंक किया, बिल्कुल बेकार। ये वाला बंदा थाने तक आ गया यार, कैसा करा थी लगाया बेटा तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया ना, ऐसा प्रैंक करूंगा सात नस्लें याद रखेंगे। बेटा मैं तुम्हें भेज देता, तुम्हें भेज देता मैं, बेटा बस कर दो, अभी देखना ना तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ मैं। क्या करेगा, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो क्या चोरी करेगा, हमारी चट्टी चोरी कर सकता बस, हम तो यही गरीब। तू क्या सर, तू भी शामिल था? अबे नहीं कर यार, अबे कसम से तुम लोगों ने लंबी कर दी यार। तू कहाँ जा रहे थे? अबे ग्लास कोटिंग के लिए जा रहा था, गाड़ी की बात की थी मैंने, बोले आज फ्री उस्ताद, आज विश्वास भाई के साथ सीन करो, मजा आया तो ही नहीं आया। मजा तो आया, लंबी हो गई ना, वो बंदा वेट कर रहा है हमारा। लंबी जोड़ कदम से पहली दफा आंसू से रोते हुए देखा मैंने, बोला यार टायर के पीछे रो रहा है। बताओ यार गाड़ी की क्या हालत कर दी थी, अगर गिर जाती ना ब्लॉक से बेटा तुम लोग की खैर नहीं थी। इतने डैश के बच्चे हैं, ये देखो ब्लॉक पे गाड़ी खड़ी गई हुई, अभी तुम लोग क्या मतलब पागल हो, अगर गिर जाती। अबे तुम लोग मतलब पागल के बच्चे, प्रैंक के चक्कर में गाड़ी का नुकसान हो जाता है। कुछ भी नहीं होता भाई, तुम ले अब लगाओ टायर, लगाओ जाने ग्लास कोटिंग के लिए। लगाएंगे, हमें ट्रीट चाहिए, इतनी मेहनत करिए, धूप में कुवार हुए। अबे तुम लोगों को मैं ट्रीट देता हूँ, तुम लोगों को ट्रीट देता हूँ, ट्रीट देता हूँ मैं तुम लोगों को, ट्रीट मार रहा टायर ले लेगा, चले यार शूट पे। बेटा मैं अंदर हाथ डाल के निकालूंगा। ये क्या बात हुई, अबे ले टायर दे यार, यार हो गया ना प्रैंक, खत्म हो गया। अंकल से पिटवाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, इनको सारा समझाया यार, हरकतें कर रहे हैं, टायर गायब कर दिए मेरी गाड़ी के।
ऐसे दोस्त होते हैं ना, मतलब डैश के बच्चे होते हैं, गाड़ी का टायर गायब कर दिया, वापस नहीं कर रहे। अब क्या करूं इनका मैं? मोहब्बत जंग में सच्चाई ले भाई, कोई बात नहीं भाई। WWE चल रही है, फुल फाइटिंग, खतरनाक वाली। ओ भाई साहब ये देखो, ओए होए 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 होए, फुल खतरनाक फाइटिंग मेरा भाई। अबे क्या हो गया, अबे पागल के बच्चों क्या लड़ रहे हो? जबरदस्त शाबाश, बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त, फुल VIP। पड्डा देख के मजा आ गया। अबे हमसे अच्छे पड्डे तो ये लोग कर रहे हैं यार। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं उमर ऑटोज एंड डिटेलिंग में। यहाँ से हम अपनी गाड़ी का फुल मतलब फेशियल करने वाले हैं। जैसे इंसानों का फेशियल होता है ना, यहाँ से हम गाड़ी का फेशियल करेंगे। फुल हमारी गाड़ी मतलब करोला VIP चमकने वाली है। इतना खर्चा करवा रहा है, अपने मुंह पे तो पहले फेशियल करवा ले। अरे वो तो बाद में कराते रहेंगे, लेकिन गाड़ी तो अपनी जान है ना यार, समझ रहे हो? जब तक हरी आंखों वाली नहीं मिल रही तो आपका भाई इसी से काम चलाता है ना। अभी देखो गाड़ी की हालत ना थोड़ी खराब बराब हुई है, स्क्रैचेस वगैरह पड़े हैं, यहाँ से देखो पीछे निशान विशान ये सब पड़े हैं। लेकिन कुछ घंटों में हमारी गाड़ी फुल दुल्हन बनने वाली है, और हमारी ब्लैक करोला मतलब ब्लैक ब्यूटी। उसामा भाई ये जिसने लानत दी ना, उसकी शक्ल पे लानत है, और जिसने कुत्ता लिखा वो कुत्ता है, वो कुत्ते का बच्चा है। उमर ऑटोज एंड डिटेलिंग हाउस के नाम से बहुत ही जबरदस्त किस्म की शॉप है, और यहाँ से शॉप क्या मतलब पूरा का पूरा शोरूम है, और यहाँ से हम अपनी गाड़ी को फुल चमकाने वाले हैं, मतलब हमारी गाड़ी को फुल दुल्हन बनाने वाले हैं। यार अभी मैंने पिक्चर देखी माशाल्लाह से, ये जो डिटेलिंग और सिरेमिक कोटिंग वगैरह करते हैं ना, आ हा हा, मतलब फुल चमका देते हैं भाई। हमारी करोला बहुत ज्यादा दिल से ज्यादा अजीज है, मतलब समझिए मेरी बीवी की तरह। तो आपको ना इसको फुल चमका के फेशियल करके देना है, जैसे दुल्हन जाती है ना मेकअप वेकअप होता है उसका, वैसा करके देना है आपको। सही है, कितनी देर में आ जाओ बताएं? 6 से 7 घंटे में मैं आता हूँ फटाफट। अल्लाह से यहाँ पर काफी गाड़ी वाड़ी आई हुई है सिरेमिक कोटिंग डिटेलिंग वगैरह के लिए। जैसे लड़कियों का पॉलर होता है ना, ये गाड़ियों का पॉलर है, और यहाँ पर गाड़ियाँ मतलब फुल शशके वाली तैयार होती है। जैसे लड़कियाँ जाती है ना मेकअप वेकअप हो जाता है उनको, समझ रहे हो, वैसे गाड़ियों का मेकअप वेकअप यहाँ पर होता है टाइट वाला। अंदर से दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। देखो सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई है, सब पे काम हो रहा है, किसी पे डेंट पेंट का काम हो रहा है, किसी पे डिस्टम्बर के डब्बे लग रहे हैं, किसी पे मेकअप हो रहा है, किसी पे फेशियल हो रहा है, किसी पे बेस लग रही है, किसी पे स्क्रब हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है, किसी पे कुछ हो रहा है। तू भी लगवा ले कुछ। ये क्या जबान हर जगह निकाल लेते तुम। सुभान अल्लाह, चांद कितना प्यारा लग रहा है यार, लेकिन हरी आंखों वाली से ज्यादा प्यारा नहीं है। अबे जब तुम सारी चीजें इस गाड़ी से पूरी कर रहे हो हरी आंखों वाली की, तो इस पे हरा कलर करा के इसके साथ स्वागत भी मना लो। है भाई 8 घंटे के प्रोसेस के बाद फाइनली हमारी करोला तैयार हो चुकी है, और बड़ी बेहतरीन किस्म की, मतलब यूं समझ लो फुल चमक गई है। ओए होए ये चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए यार लगी नहीं रही अपनी भाई वाली करोला है। अपनी वाली तो इतनी गंदी थी ना, लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरी सी हो गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई इसका सारा क्रेडिट जाता है बेक डिटेलिंग को। भाई अगर आप लोग भी अपनी गाड़ी की डिटेलिंग कराना चाहें और अपनी गाड़ी को चमकाना चाहें, तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपका भाई रिकमेंड करता है बिला झिझक यहाँ पर आओ और अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाओ। तो भाई उम्मीद आज के ब्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर मजा आया तो मुन्ने क्या करना है? सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में किसी और कॉन्टेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।